मैं सोनू पुजारी सर्प मित्र, आप सब देख सकते हैं ये मल्लूपुर गौशाला में आए हुए हैं। आप देखिए एक गाय एकदम ये मर रही है, आप देख सकते हैं इसकी आँख से, देखिए इसकी आँख देख लीजिए, देख लीजिए इसकी आँख फूट गई है, इसकी आँख से ब्लड आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये मरने वाली है, मरने का कार है। मैं सोनू पुजारी सर्प मित्र, आप देख सकते हैं ये मल्लूपुर गौशाला का है हाल, आप देख सकते हैं एक गौशाला की स्थिति है, आप देख सकते हैं, आप देखते सकते हैं ये धूप में सब मर रहे हैं, आप देखिए ये धूप मर रहे हैं, ये देख लीजिए इधर ये स्थिति है, इधर स्थिति है, और उसके बाद इधर है सब, इधर आप देख सकते हैं है? ऐसे ऐसे गाँव में ऐसे ऐसे मर रहे हैं, आप देखिए ये कैसा आकार है, है? एक हमारे SDM है किराकत के, अगर कोई सच्चाई बताता तो उनके ऊपर कहती हैं कार्रवाई करेंगे। अरे कम से कम SDM साहब अपने माँ बाप को तो लाज रखिए जो आपको पढ़ाया है, ये वीडियो आपको सुनता होगा जो आप बोलती हैं झूठ, तो माँ बाप का क्या बोलेंगे, बोलेंगे ऐसा हमने बेटी पैदा किया है। तो SDM साहब ऐसा मत करिए कि सीधा आप झूल झोंक रही हैं लोगों की निगाह में कि ऐसे हैं ऐसे हैं। अब बताइए कोई पत्रकार जा रहा है सच्चाई दिखा रहा है तो उसको बोलती हैं कार्रवाई हो गए। अरे जिस माँ के दूध पिएते हैं आदमी उसका माँ के दूध के कर्ज अदा करते हैं, लेकिन ऐसे DM साहबा हैं कि बोलती हैं कार्रवाई हो गए। अरे कितने पत्रकार लोग को कार्रवाई करोगी, जब योगी मुख्यमंत्री के पास ये वीडियो पहुंच जाएगा तब क्या बोलेंगे कि हमारी देखिए ऐसे अधिकारी हैं जो सही है उसको झूठ करते हैं। एक ये इसकी आँख निकल गई है, ये भी बछड़ा मर चुका है, आप देख सकते हैं, आप देख लीजिए ये मल्लूपुर गौशाला की हाल है। बताइए ऐसे ऐसे हमारे लोग ऐसे हैं, डॉक्टर देखिए मरा पड़ा हुआ है, ये बछड़ा है आप देख लीजिए, हैं बताइए ऐसे ऐसे लोग हैं। अब इसकी आँख देखिए निकल गई है, देख लीजिए। मैं सोनू पुजारी सर्प मित्र, मैं कहता हूँ अरे भारत निवासियों जग जाओ जाग जाओ, मैं अपने सभी बच्चों को गौ माता का दूध पिलाते हैं, अरे कम से कम अपने माँ का तो दूध तो अदा करो, हैं खाली कुर्सी छीन रहती है, मुझे ये सीट चाहिए, मुझे ये सीट चाहिए, ये सीट चाहिए, अरे क्या सीट चाहिए, जो अपने माँ को नहीं रक्षा कर पा रहा है वो सीट ले कर क्या करोगे, क्या करोगे बताइए। अरे भैया ऐसा मत करो कि ज़िंदगी में आने वाले समय में भगवान देख रहे हैं, ऐसा मत करो गंदा काम, देखिए ऐसे मर रहे हैं, देखिए ये सब है ऐसे है, आप देख सकते हैं एक गऊ एक इधर ख़त्म हो गए है गौशाला के, आप देख सकते हैं, आप अच्छी तरह देख लीजिए, देख लीजिए खूब अच्छी तरह, इसका भी आँख निकल गया है और मर गई है, ये मल्लूपुर गौशाला गाय है और गिरी हुई है, इसको ऐसे मर रहे हैं और इसको गड़वाया नहीं, आप देख सकते हैं इसके पेट में होल भी हो गया है, आप देख लीजिए, देख लीजिए इधर मरी हुई है, इसकी आँख एकदम निकल गई है, आप देख सकते हैं। मैं सोनू पुजारी सर्प मित्र, ये मल्लूपुर गौशाला गाय है, आप देख लिख सकते हैं, देख लीजिए मैं सोनू पुजारी, हमारी माँ रहेगी अच्छा तो हम लोग बहुत कुछ संभालेंगे, लेकिन जब हमारी माँ को हमारी माँ जब मर रही है हम उसका नहीं बचाव कर रहे हैं तो हम किसका बचाव कर पाएंगे बताइए। ये मल्लूपुर का गौशाला है, आप देख सकते हैं, आप देख लीजिए, लेकिन इसमें एक चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ, इसमें जो रखे हुए हैं आदमी जो इनको चराते हैं खिलाते हैं, देखिए इनको चरा के लेकर लौटे हुए हैं, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं
इस गौ के कुकुर नोच रहे हैं, अब देखिए, देख लीजिए, इस गौ कुत्ता खा रहे हैं, साले कुत्ता खा रहे हैं। देखिए गौ माता हमारी मरी हुई है, हम लोग हमारे प्रधान भी आए हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, गड़बा तो हम जिसे भी मंगवा के वहीं गड़वा देते हैं, क्योंकि जा नहीं पाएगी, इसका पेट फट गया है। देखिए हमारी गौ माँ अंदर चली गए हुए हैं, अभी पटा रहा है। देख लीजिए जेसीबी से हम लोग खुदाई करवा गौ माता गड़वा दिए हैं। देखिए हमारे सब सर आए हुए हैं, 100 नंबर वाले, एक गौ हमारी मरी थी, सब उसको हमारे 100 नंबर वाले उसको जेसीबी फोन करके बुलाए और गौ को बकायदे उसको गड़वाया गया। हमारे सर हैं, आप देख सकते हैं। सर आप क्या नाम है? सर विनय कुमार मौर्या, चालक है हम। जी सर, सर आपका नाम है? सर हेड कांस्टेबल है यार। सर कांस्टेबल हरिकृष्ण प्रसाद। तो मैं सभी सर को मैं दिल से मैं प्रणाम करता हूँ कि ऐसे लोग जल्दी नहीं मिलते हैं, इनको बच्चे जितने हो ऐसे रहे, लोगों को गरीबों को मदद करे, इसीलिए दिल से मैं सर को सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।